ठीक है बिफोर प्रोसीड फर्दर एज ऑलवेज से डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो स्टार्ट करते हैं किनशिप सिस्टम ऑफ किनशिप हम इसमें पढ़ना है किनशिप क्या होता है इन सिंपलर टर्म्स अगर हम किनशिप को डिस्क्राइब करें या आपकी रिश्तेदारी है वो रिश्तेदारी आपके कजन अंकल आंट या तो आपके बाय ब्लड रिलेटिव होंगे या तो आपके मैरिटल बॉन्ड से जो रिलेटिव बनते हैं ठीक है जैसे आपके अंकल ठीक है वो आपके ब्लड रिलेटिव हो गए मामू ये आपके ब्लड uh, रिलेशन से बनते हैं एंड कुछ रिलेशन आपके मैरिज से बनते हैं बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज जैसे आपकी वाइफ है ठीक है फिर जो वाइफ के पेरेंट्स हैं वो भी आपके रिलेशन में होंगे वाइफ के जो सिबलिंग्स हैं वो भी आपके रिलेशन में आ जाते हैं ठीक है थीके? तो ये दो तरीक़ों से हमारी जो किनशिप है वो बढ़ती जाती है इधर बाय वर्च्यू ऑफ बींग योर ब्लड रिलेटिव और बाय वर्च्यू ऑफ बींग इन अ मैरिटल रिलेशनशिप अब यही किनशप हम डिस्कस करेंगे सोशोलॉजी में डिफरेंट थिंकर्स ने किनशिप को लेके क्या कहा है फैमिली एंड हाउस होल्ड क्या होता है लीन एंड डिसेंट में क्या डिफरेंस है ठीक है पेट्रियाकल डिविजन ऑफ लेबर कैसे होता है सोसाइटी में तो ये सारे इसमें सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली हमें पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोशलॉजिस्ट जो है इसमें हमेशा इंटरेस्टेड रहे हैं क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सोशलाइजेशन पे एंड अल्टीमेटली आप सोसाइटी में खुद को कैसे कंडक्ट करते हैं उस चीज़ पर जो किनशिप इट होल्ड द सेंट्रल प्लेस इन सोशलॉजिकल एनालिसिस क्योंकि ह्यूमंस हैं एज सेंटेंट बींगस रिक्वायर इमोशनल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होता है जो उनको अपने रिलेटिव वगैरह ही प्रोवाइड करते हैं फाइन डिस्पाइट क्रिटिक्स भी हैं उन क्रिटिक्स ने क्या कहा है? कि बैरियर क्रिएट करता है इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए और प्रमोट करता है पेट्रीआर undesir की क्या होता है जो आपका एल्डेस्ट मेल मेम्बर है फैमिली का उनके पास सारी अथॉरिटी होती है मेल मेंबर के पास ठीक है अगर यहाँ पे मेट्रीआर की होता तो फीमेल मेंबर के पास होती एल्डेस्ट मेल तो इंडिया में यूजली पेट्रीआरकल फैमिलीज फैमिली का सेटअप ही बना हुआ है आउट लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे मिल्ट्री प्रैक्टिस की जाती है तो ये कर्ब करता है इंडिविजुअल लिबर्टी को इसकी बेस्ट एग्जांपल है अगर आपकी फैमिली वैल्यू करती है गवर्नमेंट जॉब को आपको ना चाहते हुए भी एग्जाम्स के लिए पढ़ना पड़ता है बट आप एक सिंगर बनना चाहते हैं या आपको आर्टिस्ट बनना चाहते हैं लेकिन यू फैमिली लुक डाउन अपॉन दिस थिंग तो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी टैलेंटेड लोग सामने नहीं आ पाते हैं इसलिए ये भी कहा जाता है फैमिली जो है ये एक तरीके से डिसफंक्शनल भी होती है क्योंकि कर्ब करती है आपकी क्रिएटिविटी को और लिमिट करती है आपकी लिबर्टी को द किनशिप सिस्टम जो है इट रेफर्स टू सेट ऑफ से जिनको हम रिलेटिव बोलते हैं वर्च्यू ऑफ ए ब्लड रिलेशनशिप जैसे मैंने आपको कहा था इसको कंसैनगुंटी कहते हैं और बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज रिलेशनशिप इसको हम एफेनलिया कंजुगल रिलेशनशिप कहते हैं ठीक है ये आपका ब्लड हो गया ये आपका बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज हुआ कुछ किन्स को हम फिक्टिव किन्स भी कहते हैं ये यूजुअली कहा होता है पुरानी सोसाइटी ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जैसे क्या होता है आप आ, रूरल एरियाज में किसी को भी अंकल ताऊ दीदी भैया ऐसे रिलेशन गुरु जी ठीक है ये रिलेशन जल्दी बन जाते हैं रूरल एरियाज में क्योंकि क्लोजन इन कम्यूनिटीज होती फाइन लेकिन अगर आप देखोगे मॉडर्न सिटीज में देखो तो इतना ज्यादा आप लोगों से रिलेटेड नहीं होते हो जितना रूरल एरियाज में होते हो आप शॉपकीपर के साथ भी आपका अच्छा रिलेशन होता है वो आपके अंकल बन जाते हैं कोई आपका ताऊ जी बन जाता है तो इनको हम फिक्टिव किन्नस बोलते हैं जो आपके इमेजिनेटरी किन्स होते हैं ये उन सोसाइटीज़ में होता है जहाँ पे मैकेनिकल सॉलिडारिटी हायर होते हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी में आप दुरखेम का कॉन्सेप्ट लाओ दुरखेम ने क्या कहा था मैकेनिकल सॉलिडारिटी को लेकर कहाँ पे हाई होती है आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में फिर उसके बाद का टर्म क्या है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ये कहाँ होती है आपकी मॉडर्न सोसाइटीज़ में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ठीक है मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये हमने पढ़ लिया है दुर्खीम का कॉन्सेप्ट सच गेंशिप बॉन्स नॉन मैरेज एंड नॉन ब्लड बेस्ड एंडल्ट ऑफ इंडिविजुअल रिलीजियस ऑब्लिगेशन की वजह से किसकी बात हो रही है प्रैक्टिस इन मेनी ट्राइबल एंड विलेज स्टडीजी मिली हुई है इन द स्टडी ऑफ शमरपीत एस सी दुबे जो है ये इंडियन सोशलॉजिस्ट काफी इम्पोर्टेंट सोशोलॉजिस्ट uh, रहे हैं फाउंड दैट अनिलेटेड इंडिविजुअल बिहेव लाइक ब्रदर्स रूरल एरियाज में ठीक है तो इस वजह से उनको फेक्टिव गेंस बोला जाता है कुछ हमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो किनशिप के हैं वो आगे देखते हैं फाइव इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं सेक्स जनरेशन क्लोज एंड इंटीमेसी क्लोजनेस एंड इंटीमेसी ब्लड रिलेशंस एंड लीन सेक्स इज योर दिस इंडिकेट्स कि आपका क्या रिलेशन है ब्रदर हो सिस्टर हो हस्बैंड हो वाइफ हो ठीक है मेल हो या फीमेल हो रिलेशनशिप में ये आपको एक जनरेशन इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि एक जनरेशन का पता चलता है आपको किनशिप से फादर हो गया सन फिर सन का सन फादर का फादर ठीक है ये सारी चीजें क्लोजनेस एंड इंटीमेसी रिलेशनशिप में होती है फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका किन किन ग्रुप में ब्लड रिलेशन आते हैं इनकेस मदर चाइल्ड फादर चाइल्ड एक लीनेज आप ट्रेस करते हो अपनी अलॉन्ग दी जेनरेशन उसको हम लीनेज बोलते हैं मैं आगे डिस्कस डिस्कस करना है लीनेज डिसेंट uh, इसको हम इन डिटेल करेंगे इस चैप्टर में किनशिप टाइज जो है वो डीपर और मोर एक्सटेंसिव होते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्योंकि एज कम्युनिटी पुट्स हाई प्रीमियम ऑन सच टाइज लेकिन जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती जाती है इनके जो वैल्यू है थोड़ा कम होते जाते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो आते हैं अंडर किनशिप विच इज ए फैमिली ये भी किनशिप में है मैरिज लीनेज डिसेंट ठीक है गोत्र कुल गोत्र एंड कुल जो है ये इंडिया के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है इंडिया में गोत्र बोला जाता है जब आप ट्रेस करते हो अपना लीनेज किसी एक अननोन चीज से ठीक है या जैसे किसी ऋषि से सेंट से वो होते हैं फाउंडिंग मेंबर ऑफ गोत्र और कुल होता है जब आप कोई नोन चीज नोन जेनरेशन से खुद को ट्रेस करते हो यूजुअली फाइव जेनरेशन पीछे हम जाते हैं इसका इनका एक क्या होता है सेम सर नेम होता है जैसे आपके फादर हो गए उनके फादर वन टू उनके फादर थ्री यहाँ पे आप हो वन टू थ्री फोर और उनके फादर यहाँ से आप ट्रेस करोगे अपना कुल ठीक है तो एक नोन सर नेम के तहत ये होता है लेकिन जो गोत्र होता है वहां से आप खुद को एक आ, किसी एक सेंट से भी ट्रेस कर सकते हो किसी ऋषि से भी ट्रेन योगी या ऋषि से खुद को ट्रेस कर सकते हो ठीक है तो ये गोत्र एंड कुल जो है हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं अदरवाइज इनको हमें यहाँ पे लीनेज एंड डिसेंट करके पढ़ना है जो हम आगे देखेंगे किनशिप रिलेशन आर इम्पोर्टेंट क्योंकि सिविल फंशन परफॉर्म करते हैं राइट्स एंड ऑब्बीगेशन आर डिसाइड ऑन द बेस ऑफ दीज रिलेशन सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन कंजशन अथॉरिटी जो है इस गवर्न थ्रू किनशिप स्पेशली ट्राइब्स में मैरिज टाबूज भी हैं ये भी हम यहाँ पे देखेंगे फैक्टर्स लाइक न्यूक्लियर फैमिली इंडिविजुलाइजेशन माइग्रेशन अर्गनाइजेशन वुमन एमपावन एक्सेट्रा इनने चेंज किया है नेचर ऑफ किनशिप रिलेशन पहले क्या होता है जॉइंट फैमिली इंडिविजुलाइजेशन होगी तो आप इंडिविजुअल पर ज्यादा फोकस करोगे तो वो पॉइंट की क्रिएटिव लिबर्ट को हंड करता है वो यहाँ पे कम हो जाएगा जब आप माइग्रेट करोगे एक जगह से दूसरी जगह जो जहाँ से आपने माइग्रेट किया वहाँ जो आपकी फैमिली थी उसका स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा टूटना शुरू हो जाएगा अर्बनाइजेशन के चलते भी फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज होता है न्यूक्लियर सेटअप में हम ज्यादा आते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में भी चेंज हुआ क्योंकि पहले क्या होता है फैमिलीज में सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर होता है कि फैमिली मदर का, का काम ये रहेगा फादर का ये रहेगा ये चीज़ भी इससे डिक्लाइन हो जाएगी तो बेसिकली क्वालिटेटिव नेचर ऑफ किनशिप रिलेशन जो है वो इन चीज़ों की वजह से चेंज हो जाता है अब हम ये तीन चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे फैमिली हाउस होल्ड एंड मैरिज तो बेसिकली फैमिली जब आप बोलते हो ये एक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का इसको एक डवेलिंग यूनिट बोलते हैं ठीक है थीके? एक सोशल यूनिट सॉरी हाउस होल्ड आपका डवेलिंग यूनिट है मैरिज आपका सोशल यूनिट है हाउस होल्ड आपका घर है घर मकान जो ईंटों से बना होता है सीमेंट से बना होता है वो चीज जो है ना ड्वेलिंग यूनिट जिसमें आप रह रहे हो फ़ैमिली जो है ये ज़रूरी नहीं एक फैमिली का एक हाउस होल्ड भी हो ठीक है एक फैमिली का अगर एक मेंबर यहाँ रहता है इंडिया में रहता है एक फॉरेन में रहता है फिर भी आप खुद को एक फैमिली बोलोगे अगर उनका हाउस होल्ड डिफरेंट भी है तो भी वो एक फैमिली के पार्ट हैं लेकिन हाउस होल्ड इज डे बिल्डिंग जो आपका मकान है ठीक है तो वो एक ही रहेगा वो एक जगह ही रहेगा फैमिली चाहे वहां रहती हो या ना रहती हो एंड मैरिज यू नो ये क्या होता है दे टुगेदर फॉर्म द प्राइमरी सोशल यूनिट्स इन सोसाइटी यहाँ पे हम इन चीज़ों को आप डिटेल में देखेंगे फैमिली अर्लिए व्यूज ऑन फैमिली इट एज अ रिजल्ट ऑफ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस फैमिली को एवोल्यूशनरी प्रोसेस का क्योंकि पहले क्या कहा जाता था कि फैमिली वैसी नहीं थी जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था ये पहले नहीं था ये आहिस्ता आिस्तक इवॉल्व होके यहाँ तक पहुंचा है फैमिली सोशल यूनिट नहीं थी जब मैन एक सोशल एनिमल नहीं था इन ट्रू सेंस में डरिंग दैट टाइम अकॉर्डिंग टू सम अर्ली लाइक समर्ली एंड फ्रेजर इन्होंने इस बारे में कहा है मैन लिव्ड इन वाइल्ड लाइक अदर एनिमल्स ठीक है अर्ली मैन ले लो एंड एक्सिबिटेड ट्रोमिशियस बिहेवियर उसका कोई फैमिली ओरिएंटेड बिहेवियर टाइप नहीं था उसको ये नहीं पता था समझ नहीं थी कि ये मेरी एक फैमिली है जैसे सोशल रिलेशन स्टेबलाइज हो गए फैमिली स्टार्टेड टू टेक अ कंक्रीट शेप

तो उसके बाद भी जाके जो आज की ज्वाइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है वो चीज़ें इस एवोल्यूशनरी मॉडल में काफी बाद में आई ठीक है फैमिली आपकी स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंक्रीज होती गई क्लासिकल डेफिनेशन डिफाइन फैमिली क्या बोलते हैं फैमिली को एज अ ग्रुप बेस्ड ऑन मैरिज इमोशनल बॉन्ड कॉमन रेजिडेंस स्टिपुलेशन ऑफ डोमेस्टिक सर्विसेज ठीक है ये उनके लिए क्या थी फैमिली मैरिज पे बेस्ड होती है इमोशनली कनेक्टेड होते हैं एक जगह रहते हैं और डोमेस्टिक सर्विसेज जो है वो इकट्ठे वो परफॉर्म करते हैं जो भी घर के काम वगैरह होते हैं इट इज़ ऑल्सो बिन डिफाइन ए ग्रुप बेस्ड ऑन मैरिटल रिलेशन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ हुड, कॉमन हैबिटिशन रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन सिंपल चीज है समझने के लिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ये रिगार्ड किया जाता है एज द कॉर्नर स्टोर ऑफ द सोसाइटी कॉर्नर स्टोन ऑफ द सोसाइटी ठीक है अब जीपी मर्ड्रॉक इसमें काफी इम्पोर्टेंट नाम है जॉर्ज पीटर मर्ड्रॉक जिन्होंने एक डेफिनेशन दी थी हमें फैमिली की कि फैमिली क्या होती है ऑल दो ये डेफिनेशन में काफी चेंजेस आई हैं आज फैमिली ये नहीं है जो इन्होंने लिखा है लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी एटलीस्ट इनकी डेफिनेशन समझने के लिए एक आइडिया हो गया लोगों को कि फैमिली बेसिकली होती क्या है तो जीपी मर्डोक इंपॉर्टेंट नाम है ठीक है इसमें इनकी डेफिनेशन में फैमिली की तो देखते हैं इनने फैमिली के बारे में क्या कहा ये एक सोशल ग्रुप है जिसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन रेजिडेंट्स इकट्ठे रहते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है उनमें जैसे कोई कुछ कमाएगा कोई कुछ कमाएगा ठीक है और वैसे करके उनकी जो लाइफ है चलेगी. वो चलेगी रिप्रोडक्शन वो रिप्रोड्यूस करते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा होते जाते हैं और फैमिली जो है वो बढ़ती जाती है इट इंक्लूड्स एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस दैट मीन्स एक मेल फीमेल होगा मेल फीमेल होंगे उसमें एटलीस्ट टू ऑफ यू मेंटेन अ सोशली अप्रूव सेक्सुअल रिलेशनशिप दैट मीन्स लीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप जितने भी मेल फीमेल हैं एटलीस्ट दो का होना चाहिए तभी तो फैमिली आगे बढ़ेगी ना दैट मीन्स दो उसमें शादीशुदा होंगे एंड वन और मोर चिल्ड्रन जिसमें बच्चे भी आते हैं चाहे वो अपने हों या एडोप्टेड हों ऑफ द सेक्शुअली कोहैबिटिंग एडल्ट ठीक है जो एडल्ट साथ रहते हैं उनके तो ये इनकी बेसिक डेफिनेशन थी आज इसमें काफी मॉडिफिकेशन आ गई है पहली अप्रूव्ड सेक्शुअल रिलेशनशिप ये चीज पे सवाल उठेगा ठीक है किसको अप्रूव किया किसको नहीं किया आज लिव इन रिलेशनशिप से उनको भी फैमिली कंसिडर किया जाता है एडल्ट बोथ सेक्सेस इसमें एल वाला आ गया क्योंकि जो सेम सेक्स लोग हैं वो भी इकट्ठे रह सकते हैं फाइन तो ये सारी चीजें जो है बाद में वि टाइम मॉडिफाई होती गई लेकिन इन्होंने एक बेसिक डेफिनेशन जो है फैमिली की जिसमें अच्छे से एक यूनिवर्सल फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने सारा इसमें ऐड किया डिफरेंट डेफिनेशन एट डिफरेंट डायमेंशन टू द फैमिली एंड नेचुरल में फैमिली जो है प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें कुछ एडल्ट होंगे रिप्रोडक्टिव तो रिलेशनशिप होगा उनका बच्चे रहते होंगे साथ में इमोशनल बॉन्ड होगा रिलेशन कंसेंगुअल भी होंगे एफिनल भी होंगे दैट मीनस ब्लड बेस्ड एंड मैरिटल बेस्ड भी होंगे एक हाउस होल्ड होगा इकोनॉमिक एक कॉपरेशन एक्सेट्रा तो ये सारी चीजें एक फैमिली के साथ अटैच्ड है उसके बाद क्या हुआ इन चीज़ों गे लेसबियन मैरिज वगैरह की वजह से जो डेफिनेशन है क्लासिकल डेफिनेशन वो आज स्टैंड नहीं करती है उसमें काफी मॉडिफिकेशन आई हैं अब फैमिली यूनिक अजिशन इन सोसाइटी इसके कुछ डिस्टिंग फीचर्स हमें एंड पेज ने दिए हैं पहले यूनिवर्सैलिटी इट इज फाउंड इन ऑल टू एग्जिस्टिंग टूडे फैमिली चाहे वो उस फॉर्म में ना हो जिस फॉर्म में उसको डिफाइन किया गया हो फैमिली चाहे किसी भी फॉर्म में हो लेकिन एग्जिस्ट हर सोसाइटी में करती है फाइन इफेक्टिव एफिनिटी है के बीच में इमोशनल बेसिस पे फॉर द एग्जिस्टेंट ऑफ मेंबर्स लिमिटेड साइज न्यूक्लियर पोजिशन सोसाइटी में जो है सेंट्रल पोजिशन है फैमिली का रेस्पॉसिबिलिटी ऑफ दर्टन रोल्स और आपको रेगुलेट करती है ले डाउन करती है वैल्यूज दैट में फॉलो तो ये इनके डिस्टिंग फीचर्स है इसको आप एसे डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एग्जाम में अब आगे देखते हैं फंक्शन क्या है एसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली जीपी मर्डॉक ने कुछ चार यूनिवर्सल फंक्शन देते फैमिली के रेगुलेट करता है सेक्सुअल रिलेशनशिप को क्योंकि उसको अप्रूव करता है एक अप्रूव सेक्सुअल रिलेशनशिप बनती है कंट्रोल करता है रिप्रोडक्शन को वो फैमिली ही करेगा अकाउंट्स फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल ठीक है इकोनॉमी इकोनॉमिक कॉपरेशन सारा वो कहाँ से आता है आपकी फैमिली से और ये सोशलाइज करता है चिल्ड्रन को ये जी पी का कहना था पार्सन्स ने क्या कहा फैमिली को लेके क्या परफॉर्म करता है फंक्शन सर्टन बेसिक एंड इरेड्यूसेबल फंक्शन परफॉर्म करता है वर्ड है पार्सन का तो आपको एग्जाम में दोनों लिखने होंगे वो बेसिक एंड इड्यूसेबल फंक्शन क्या है जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन या स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनलिटीज ये इसके दो फंक्शन है जो बेसिक एंड इड्यूसेबल है यहाँ पे अगर आप पुराने लेक्चर सुन रहे हो आप रिकॉल करो हमने मर्टन में क्या पढ़ा था मर्टन ने मॉडिफाई किया था पॉस्टलेट ऑफ फंक्शनलिज्म को मॉडिफाई किया था तो उन्होंने इस चीज को भी मॉडिफाई किया था क्योंकि पुराने जो आपके फंक्शनलिस्ट थे वो कहते थे कि कुछ इंडिस्पेंसिबल फंक्शंस होते हैं सोसाइटी में जिसको परफॉर्म करने के लिए इंडिस्पेंसिबल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है लेकिन मर्टन ने इस चीज़ को निगेट किया क्योंकि आज फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशन आपके पास हैं तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे फिट होती है क्योंकि प्राइमरी सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू पार्सन फैमिली का एक बेसिक और इेड्यूसेबल फंक्शन है दैट कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता इंडस्पेंसेबल फंक्शन है लेकिन आज देखा जाए प्राइमरी सोशलाइजेशन इंसान की क्रच में भी होती है बच्चों को क्रच में डाल देते हैं ना एक साल के बच्चे को अभी डायपर पहन के होता है तो क्रच चला जाता है क्योंकि मॉम डैड दोनों बिजी होते हैं तो फिर कहाँ प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली में हो रही है वो तो क्रच में हो रही है और अगर स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटीज देखो ये भी फैमिली नहीं कर रहा है उसकी एडल्ट सोशलाइजेशन या सेकेंडरी सोशलाइजेशन या उसकी स्टेबलाइजेशन जरूरी नहीं फैमिली से होती है लॉ से भी होती है लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन से भी होती है दैट मीन्स ये जो बेसिक एंड इरेड्यूसेबल फंक्शन वाला ये था इनका पॉस्टुलेट था फंक्शनस्ट का इसको भी क्वेश्चन किया गया था लेटर ये मैंने यहाँ पर रिपीट किया हमने मर्टन में ऑलरेडी पढ़ा है ठीक है पार्सल ने हमें और एक इंपॉर्टें कॉन्सेप्ट दिया था आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिलीज ये रिलेटेड था किस चीज से इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक रिक्वायरमेंट थी कि एक न्यूक्लियर फैमिली सेटअप बन गया और वो आइसोलेट हो गए क्योंकि उसके लिए आपको मोबाइल होना पड़ता था जोग्राफिकल मोबिलिटी माइग्रेशन की जरूरत थी ठीक है पहले रूरल एरियाज में रहते थे वहां से आप कहाँ पे आ गए सेंटर्स और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थे सिटीज के अराउंड स्लाम्स बन के वहां पे आप लोग रहने लगे इंडस्ट्रीज के अराउंड ठीक है तो वहां पे आप पूरा अपना परिवार लेके तो माइग्रेट नहीं करोगे ना यूजुअली हस्बैंड वाइफ माइग्रेट करते हैं तो हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन इस फैमिली का जो बेसिक यूनिट है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन बन गए इन फैमिलीज को आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिलीज का ये आर प्रोवाइड्स फॉर बेटर जोग्राफिकल मोबिलिटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एज इट इज स्ट्रक्चरली आइसोलेटेड एंड डज नॉट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए वाइडर सिस्टम रिलेशनशिप्स लेकिन पार्ट एन पार्सन को इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है कि ने ओवर हार्मोनियस व्यू लिया फैमिली का एंड इज एक्यूज ऑफ सफरिंग फ्रॉम पेट्रियारकल बायस क्यों पेट्रीआर बायस क्योंकि उन्होंने कहा था ये एक परफेक्ट फैमिली स्ट्रक्चर बन जाता है nuclear, जहां है आइसोलेटेड न्यूक्लियर पे मेल मेंबर जो इज ब्रेड विनर और जो फीमेल है वो घर के काम काज करती है और बच्चों का ध्यान रखती है तो कहीं ना कहीं इसमें पेट्रीआरकी वाली चीज आती है क्योंकि फिर हम वो बोलते हैं ना कि फिर औरतों को भी तो काम करना है कहाँ पे रिटर्न रूल है कि उनको सिर्फ घर संभालना है तो इसीलिए बोला जाता है पेट्रीआरकल बायस आ जाता है इनकी थियोरी में अकबर एंड निमकॉफ ने कहा था बेसिक फंक्शन ऑफ फैमिली आर इकोनॉमिक रिक्रेशन फंक्शन के ये थे अब अगर फंक्शन एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे करके ही आंसर करना होगा कि अलग अलग थिंकर्स ने इसको लेकर क्या कहा है रोनल्ड फ्लेचर ने कहा था फंक्शन ऑफ फैमिली नॉट डिक्रीज सिग्निफिकेंटली एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियालाइजेशन जो पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ए चिल्ड्रन हैज नाउ इंक्रीज कैसे

सेप्ट भी आ गया है तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जा रही है तो पेरेंट्स का जो रोल है वो भी बढ़ता जा रहा है ये कहने का मकसद है अगर हम फंक्शंस ऑफ फैमिली को इन टर्म्स ऑफ बाकी चीजें देखें तो इसको हम मैनिफेस्टो लेटेंट फंक्शंस के तौर पे भी देख सकते हैं कुछ मैनिफेस्ट फंक्शंस है इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है फिजिकल सिक्योरिटी देती है यंग वंस को एंड ओल्डर वंस इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है क्योंकि जिनका फैमिली बिजनेस बना हुआ है फैमिली बिजनेस उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती है ये लेटेंट किसका ये है किस थिंकर का कॉन्सेप्ट है कमेंट्स में बताओ ये हमने पढ़ा हुआ है पहले सेक्सुअल ग्रैटिफिकेशन को रेगुलेट करती है सेक्सुअल बिहेवियर को फैमिली ठीक है फैमिली आल्सो प्रोवाइड्स अर्ली लर्निंग टू द इंडिविजुअल्स एंटरटेनमेंट फंक्शन भी एट वेरियस स्टेजेस आपको कौन देती है फैमिली प्रोवाइड करती है इट प्रोवाइड फॉर सोशल स्टेटस और आइडेंटिटी फैमिली को थ्रू आपके पास आपका जो सर नेम है वो आपको फैमिली का दिया हुआ है ठीक है तो आपको एक आइडेंटिटी मिलती है आपको लेटेंट फंक्शन भी परफॉर्म करती है फॉर मोस्ट फंक्शन ऑफ फैमिली फॉर सोसाइटीशन एज इट कीप्स अटी अइव इट परफॉर्म फंशन ऑफ मेंबर रिप्लेसमेंट इन सोसाइटी ऑफ इट्स फिजिकल मेंटेनेंस ठीक है वो क्या करती है फैमिली रिप्रोडक्शन कर रही है तो इसका एक लेटेंट फंक्शन हो रहा है कि जो सोसाइटी है वो अलाइव रह रही है कैसे क्योंकि उसमें मेंबर की ग्रोथ हो रही है अगर मेंबर्स की ग्रोथ होना बंद हो जाए तो सोसाइटी कैसे सर्वाइव करेगी जब लोग ही नहीं रहेंगे तो मेम्बर्स तो बड़ा कौन रहा है वो थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है और रिप्रोडक्शन कहाँ से आ रही है वो फैमिली से आ रही है कल्चरल ट्रांसमिशन ठीक है ऑल्सो कैरी आउट प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन फैमिली इज ऑल्सो सोशल कंट्रोल ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द फिजिकल एंड द इमोशनल केयर ऑफ जो गिरेट्रिक्स आपके जो ओल्डर है फैमिली में एंड डिसेबल्ड अब तो खैर ऐसा नहीं होता उनको ओल्ड एज होम भेज देते हैं तो यहाँ पे भी अब चेंज आ रही है फैमिली फंक्शन एज यूनिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्योंकि पहले क्या होता था सारे इकट्ठे काम करते थे अब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन जो है अंटिल रिसेंट टाइम्स द फैमिली वॉज एन इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन क्योंकि वो प्रोड्यूस भी करते थे एंड कंज्यूम तो करते ही थे फैमिली तो वो यूनिट ऑफ बोथ प्रोडक्शन कंजम्पशन था लेकिन अब यूजली सेटअप ऐसा हो गया कि जो मेल्स हैं वो ज्यादा ब्रेड विनर वो काम करते हैं एंड फीमेल्स घर में रहती हैं तो अब फैमिली जो है वो यूनिट ऑफ क्या अब रह गया है कंजम्पशन क्योंकि अब प्रोडक्शन सारे नहीं करते हैं पहले एग्रेरियन सोसाइटी में क्या होता था सारे एग्रीकल्चर फील्ड में बच्चे बूढ़े बुजुर्ग औरतें सारे कुछ ना कुछ कर रहे होते थे अब यूजुअली एक जो मेंबर है वो काम करेगा और बाकी सारे बैठ के खाते हैं तो इसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ कंजम्पशन रह गई है मॉडर्न फैमिलीज मॉडर्न सोसाइटीज में देर आर मेनी मनी व्यूज टू फैमिली एज वेल टू फैमिली जो है इज ए फंक्शनल यूनिट इज रिप्लेड बाई मेनी ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल्स जैसे मैंने कहा ओल्ड एज होम्स ओल्ड का केयर करने के लिए हॉस्पिटल्स ध्यान रखने के लिए इवन कोई घर में बीमार हो तो पहले फैमिली ध्यान रखती थी अब अगर घर में कोई बीमार हो तो उसको लिए हम एक नर्स अपॉइंट करते हैं ठीक है एंड प्लेस स्कूल वगैरह तो फैमिली का जो वो इंडिस्पेंसेबल फंक्शन वाली चीज़ थी वो भी यहाँ पे डिक्लाइन होकर देखने को मिल रही है मोनोगेमस न्यूक्लियर फैमिलीज अराइव विद अरा ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एज इट इमर्ज एंड एफेक्टिव सोल्यूशन फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय इनहेरिटेंस मोनोगेमस क्योंकि जितनी ज्यादा शादी उतनी ज्यादा बच्चे और उतनी ज्यादा प्रॉपर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस चीज़ की वजह से क्या आ गया मोनोगेमस फैमिलीज भी बढ़ गई फैमिन इस प्रोवाइड अनदर पर एंड द व्यू फैमिली एज इन टर्म्स ऑफ अनइकुल पावर रिलेशनशिप क्योंकि मेल के पास ज्यादा पावर्स हैं मोस्टली हमारे पास सारे यहाँ पे पेट्रियाल फैमिलीज हैं तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा अनपेड लेबर है एक्चुअली जो वुमेन घर में क्या कर रही है अनपेड लेबर कर रही है क्योंकि आपकी जो मदर है वो ट्वेंटी फोर सेवन काम कर रही है ठीक है संडे जिसमें आप बोलते हो स्कूल में छुट्टी है कॉलेज में छुट्टी आज कोई काम नहीं करूंगा आपके फादर के लिए भी वो छुट्टी का दिन है उनको भी कोई काम नहीं करना है लेकिन आपकी मदर ने उनको संडे भी काम करना है उनके लिए कोई लीव नहीं है वो चाहे उनको वो बीमार भी हो तो उनके लिए कोई सिक लीव वाला ऑप्शन नहीं है उनको बीमारी में भी उठना है वो बीमारी में भी ख्याल रखेंगे आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है और इस चीज का वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है मतलब इस चीज़ की उनके लिए कोई इन टर्म्स ऑफ फेमिनिस्ट कोई सैलरी नहीं है तो काइंड ऑफ वो अनपेड लेबर कर रही हैं आपके लिए ठीक तो ये किसका कहना था फेमिनिस्ट का अकॉर्ड टू फ्रैन एंडस्टली जो वेमन है वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द फ्रस्ट्रेटेड मेल्स इन ए कैपिटलिस्टिक सिस्टम ठीक है क्योंकि कैपिटलिस्टिक सिस्टम इतना ज्यादा काम करना ऑफिस में इतना ज्यादा खज्जल हो जाना तो उनको क्या वो फ्रस्ट्रेट कर देता है मेल्स को और उस फ्रस्ट्रेशन का सपोर्ट इमोशनल सपोर्ट कहाँ से वो लेते हैं अपनी फीमेल्स से फैमिली इज़ ऑल्सो व्यवड एज नॉट सो फंक्शन बाई मनी थिंकर इसके कुछ डिफंक्शंस देखते हैं अभी तक हमने फंक्शनल आस्पेक्ट्स इसके डिस्क्राइब किए यहाँ पे हमने थोड़ा चेंजिंग भी देखा है इसका कि फैमिली चेंज भी होती है और अब देखते हैं इसके डिस्फंक्शन मॉर्गन ने कहा था फैमिली इज डिपेक्टेड एज रिमार्केबली हारमोनियस सोशल इंस्टीट्यूशन इन रियलिटी ऐसा नहीं है मार्क्सिस ने कहा था इट ब्रीड्स नोशन ऑफ कन्फर्मिटी आपको कन्फर्म करना पड़ता है टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ फैमिली कभी ऐसा कोई ट्रेडिशन होता है कोई डॉग आपकी फैमिली फॉलो करती है कोई ओल्ड इलॉजिकल ट्रेडिशन लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आपको फॉलो करना पड़ता है बिकॉज इट ब्रीड्स नोशन ऑफ कन्फर्मिटी यू हैव टू कन्फर्म टू द वैल्यूज ऑफ यूर फैमिली डेविड कूपर ने लिखा था डेथ ऑफ फैमिली उन्हें कहा था आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस है इन एन एक्सप्लोइटेटिव सोसाइटी ठीक है आपको एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी के लिए बेसिकली आपकी आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग हो रही है आपको सोशलाइज किया जा रहा है उस सोसाइटी में और एक्सप्लोइट होने के लिए उस एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए ये इसका मतलब है ठीक है आपके अकॉर्डिंगली कंडीशन हो रही है कि आप उस सोसाइटी में खुद को एक्सप्लोइट होने दे दो ही ऑल्सो कंटेन दैट इट डिनाइज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इज अड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ कि आपकी क्रिएटिविटी लिबर्टी यहाँ पे खत्म हो जाती है एडमिट लीच ने लिखा था अ रन अवे वर्ल्ड ठीक है दिस फंक्शन में काफी इंपॉर्टेंट नाम है इन्हें कहा था मॉडर्न फैमिली आइसोलेट है स्टोर हाउस ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन होडल टुगेदर इन देयर लोनलीनेस टेक टू मच आउट ऑफ ईच अदर पेरेंट्स फाइट एंड चिल्ड्रन ड्रिबल तो मॉडर्न फैमिलीज uh, का इन्होंने ये दिया था कि बेसिकली पेरेंट्स आपस में ही लगे हुए हैं कि, कि किसी का किसी के साथ कोई इमोशनल बॉन्ड इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है पेरेंट्स लड़ते रहते हैं और चिल्ड्रन रिबेल करते हैं

फैमिली इज डिसक्शन फॉर चिल्ड्रेन डिस फंक्शन फॉर चिल्ड्रेन एज पेरेंट्स यूज एम एज केप गो टू वेंट आउट देर ओन टेंशन ऐसा है ना कि मम्मा पापा का जड़ा हो गया तो बच्चे ने कुछ भी किया बच्चे को थप्पड़ पड़ गया बिना उसकी गलती के तो बेसिकली बच्चे को बली का बकरा बनाया जाता है फैमिली में नॉर्मल बेल का कहना था फंक्शन ऑफ फैमिली चेंज विथ चेंजिंग टाइम्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स जैसे न्यूक्लियराइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की वजह से फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जाता है क्योंकि पहले क्या था सारी फैमिली साथ रहती थी फिर मॉडर्न सिटीज में आ गए तो हस्बैंड वाइफ एक अलग रहने लगे तो न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो गया मतलब माइग्रेशन हो गई फैमिली चेंज होती गई और क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन से देखो अगर मेल मेंबर जो ज्वाइंट फैमिली है ठीक है वहां से मेल सिर्फ माइग्रेट करेंगे तो पीछे जो है वो कौन रह गई फैमिलीज में फीमेल्स तो आहिस्ता आहिस्ता वहां पे कौन सी फैमिली आ जाएगी वहां पे मेट्री वाली थोड़ी फैमिली आ जाएगी जहां पे फीमेल्स के पास अथॉरिटी आ जाएगी तो एक स्क्यूट सेक्स रेशियो बन गया इसकी वजह से ठीक है फीमेल ज्यादा पीछे रह गई और मेल्स आगे चले मेल्स माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए, ठीक है तो पीछे फीमेल कंट्रोल्ड फैमिलीज है वो बढ़ना शुरू हो गई ये भी इसका एक रीजन है Rise of जैसे आपके legal जो आपकी सोशलाइजेशन स्टेबलाइजेशन करने लगे कुछ चेंजेस देखते हैं प्राइमरी इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल कंट्रोल ठीक है डॉनल फ्लेचर ने कहा फैमिली को मल्टी फंक्शन सोशल इंस्टीट्यूशन बट टे इट्स सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म बाय ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन फैमिली टूडे नो लॉन्गर परफॉर्मस प्रोडक्शन फंक्शन एंड इट नो लॉन्गर प्लेज द रोल ऑफ इकॉनिक प्लेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल सोसाइटी क्योंकि मॉडर्न डिविजन ऑफ लेबर में इतने ज्यादा आपके चांसेस एवेन्यूज बढ़ गए हैं एम्प्लॉयमेंट के फैमिली पर आपको अपनी इकोनॉमिक प्लेसमेंट या जॉब्स वगैरह के लिए या आपके फैमिली बिजनेस रन के लिए डिपेंड करना नहीं पड़ गया डिविजन ऑफ लेबर में स्पेशलाइजेशन डिफरेंसिएशन इतनी बड़ी हो गई की हर फील्ड के लोगों के लिए कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी रह गई है ठीक है कंसेप्ट ऑफ ओल्ड एज होम्स इज ऑल्सो लीडिंग टू ट्रांसफर द ओल्ड एज केयर फंक्शन टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस तो ओल्ड एज होम की चीज भी जो ओल्ड एज केयर जो फैमिलीज में होता था वो भी आईसा रिड्यूस होने लगा तो so ये कुछ चेंजेस देखी हमने फैमिली के स्ट्रक्चर में जो आई ऑलमोस्ट ऑल सोशलॉजिस्ट वुड अग्री के फंक्शन ऑफ फैमिली चेंज हो गई हैं लेकिन सारे अग्री नहीं करेंगे फंक्शन ऑफ फैमिली डिक्रीज हुए हैं डॉनल्ड फ्लेचर ने कहा था फंशन ऑफ फैमिली हैव एक्सपेंडेड डिस्पाइट द ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एक्साम्पल विद रिगार्ड टू स्कूल पेरेंट्स हैव टू पुट इन इवन मोर एफर्ट्स टू कीप अप विद अ एजुकेशन ठीक है तो स्कूल्स ऑल तो ज्यादा बढ़ गए हैं लेकिन पेरेंट्स का भी काम बढ़ गया है हो सकता है वैसे टाइप की सोशलाइजेशन जो पुराने सोसाइटीज में होती थी वो जरूरी नहीं है वो करते हो लेकिन स्कूल्स के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है मॉडर्न एजुकेशन मॉडर्न करिकुलम मॉडर्न एक्टिविटीज क्रिएटिव आर्ट जो भी स्कूल्स में होता है उससे पेरेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व रह गए हैं बच्चों की लाइफ में साइज ऑफ फैमिली भी आएगा या इट्स ऑर्गेस एंड अथॉरिटी की मेल का रोल ज्यादा है फीमेल का है या अथॉरिटी मेल की ज्यादा है या फीमेल की ज्यादा है, है और हम फैमिली के स्ट्रक्चर को ऐसे भी समझ सकते हैं या तो फैमिली एस ए इंस्टीट्यूशन स्टडी करो As a in itself, या आप देखो इसका रिलेशनशिप टू अदर सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी वो समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेते हैं जैसे आप क्या करते हो माइग्रेट करते हो यूजली अपनी जॉब के लिए तो वो किसका पार्ट आ गया आपके इकोनॉमी का पार्ट आ गया इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का पार्ट आ गया कि इन सर्च ऑफ जॉब आपको माइग्रेट करना पड़ता है तो माइग्रेट कौन करते हैं आपके जो मेल मेंस वो माइग्रेट करेंगे तो यूजली मेल ही माइग्रेट करेगा ना जो जॉब ढूंढ रहे है। तो पीछे क्या रह जाती है फीमेल हेडेड फैमिलीज रह जाएंगी तो जो फीमेल मेंबर्स हैं वो अपने घर में रह जाती हैं तो फीमेल हेडेड फैमिलीज का जो इंस्टेंस है वो बढ़ रहा है सोसाइटी में वो किस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि आपकी इकोनॉमी की डिमांड ही ऐसी है कुछ सिटीज में जॉब ज्यादा क्रिएट होती है इसीलिए उन सिटीज में आपको माइग्रेट करना पड़ता है तो इसका आप देख सकते हो असर एक इंस्टीट्यूशन का कैसे पड़ता है दूसरे इंस्टीट्यूशन पे या अगर आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की एग्जाम्पल ले लो ऐसे रूल्स uh, या ऐसी स्कीम्स लेके आते हैं फॉर एग्जाम्पल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ठीक है इसमें क्या किया इससे क्या हो जाता है जो आप गर्ल चाइल्ड को अगर ऐसे कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हो या उनके लिए कुछ फ्री स्कीम्स लेके आते हो तो जो फीमेल फीटिसाइड के इंस्टेंसेस है वो कम हो जाते हैं फीमेल फिटिसाइड के अब आप तो आपका एक सेक्स रेशो था वो भी आप कोशिश करते हो थोड़ा स्टेबल हो जाए ठीक है और फैमिलीज़ में भी गर्ल चाइल्ड की जो इंपॉर्टेंस है उसको आप ज़्यादा देना शुरू कर देते हो उसकी हेल्थ के रिलेटेड स्कीम्स आती हैं तो आप गर्ल चाइल्ड की हेल्थ पे भी इक्वल ध्यान देना देना शुरू करते हो जितना आप एक मेल चाइल्ड की इस पे देते थे हेल्थ पे देते थे तो ऐसे करके फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है तो यही इन्होंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे विलेजेस ऑफ बिहार टू नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया या फ्रॉम केरला से गल्फ कंट्रीज जाती है इट लेड टू एन अनयूजल प्रपोर्शन ऑफ वुमेन हेडेड फैमिलीज इन दीज स्टेट्स या वर्क स्केड्यूल ऐसा है यंग पेरेंट्स का कि ऑल दो देखो यंग पेरेंट्स आ गए थे मेट्रोज में आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन इंडिया कहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे है इंडिया में बैंगलोर ठीक है अब बैंगलोर के एग्जाम्पल लेते हैं तो आगे गए कपल्स यहाँ जॉब करने के लिए लेकिन पीछे घर बच्चे रह गए घर में उनका ध्यान रखेगा तो उसके लिए वो क्या करते थे अपने जो पेरेंट्स हैं उनको वापस बुला के लेके आते हैं घर में के बच्चों का ध्यान रखो आप लोग तो इससे क्या हो गया जो हम न्यूक्लियर सेटअप की तरह आगे थे वो तो फिर से थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है और वो ज्वाइंटनेस वाला फिर से आ गया क्योंकि अब आपके पेरेंट्स फिर से आपके साथ रह रहे हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ों से जो फैमिली का स्ट्रक्चर है ये भी ऑल्टर हो जाता है आपके ट्रेडिशनल फैमिली के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहला फीचर देखते हैं साइज ठीक है न्यूक्लियर इन टर्म्स ऑफ साइज तीन डिविजन यूजली करते हैं न्यूक्लियर फैमिली ज्वाइंट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है जहां पे सेवरल न्यूक्लियर फैमिलीज मे बी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक्सपेंडेड और ज्वाइंट फैमिली जो है इट इज कंसिडर्ड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली फाइन अब एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है जैसे आपका फादर है ठीक है फिर आप हो सन फिर सिबलिंग फिर उनकी फैमिली है उनके स्पाउस आपकी वाइफ चिल्ड्रन तो ऐसे करके एक्सपैंड हो रही है ये आपकी वर्टिकल एक्सटेंडेड फैमिली है हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा फादर है अभी फादर के ब्रदर अलाइव है उनकी सिस्टर है उनकी फैमिलीज हैं वो इकट्ठे रह रही हैं तो ऐसे करके अगर आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगी फादर के ब्रदर ब्रदर और सिस्टर तो ये आपका एक्सपैन हॉरिजॉन्टल uh, हुआ अगर वर्टिकल आपको अपने पहले आप हो फिर आपके भाई बहन है और उनकी फैमिलीज हैं तो ये इनका वर्टिकल एक्सपेंशन हुआ तो ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज होगी ज्वाइंट फैमिली भी हम एक्सटेंडेड फैमिली का ही एक सब पार्ट बोलते हैं विलियम गुडे ने कहा था इन हिज वर्ल्ड रेवोल्यूशन फैमिली पैटर्न्स में कि एक्सटेंडेड फैमिली वाज अ टाइप ऑफ फैमिली प्री मॉडर्न सोसाइटी और आज वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर फैमिली इज इमर्जिंग एज ए यूनिवर्सल टाइप लेकिन बाद में इसका भी काफी क्रिटिक्स आने मतलब इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ और ऐसा बोला जाए कि बोला गया कि इसके लिए हमें रिटिल एम्पेरिकल सपोर्ट देखने को मिलता है क्योंकि फैमिली टूडे आर सीन एज मोर नोटेबल फॉर द डाइवर्स रेंज ऑफ फॉर्म्स की आजकल की फैमिलीज के ज्यादा डाइवर्स रेंज है अथॉरिटी रिलेशनशिप में वही आपका मेट्री आर्कल या पेट्री आर्कल होगा जो आपका हेड है उनको कर्ता बोला जाता है ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली में मेल अकॉर्डिंग टू पार्सन अथॉरिटी मदर्स द इमोशनल अथॉरिटी तो ये इनका थोड़ा पैट्रियार्कल व्यू पॉइंट था पार्सन का तो so, ये दो कीवर्ड्स वर्ड के रिलेटेड आप याद रख सकते हो इंस्ट्रूमेंटल अथॉरिटी इन्हें मेल का कहा था और मदर्स का क्या कहा था इमोशनल अथॉरिटी सेकेंड पॉइंट देखते हैं किनशिप बॉन्ड्स विद इन द फैमिली वो बॉन्ड्स तो या तो आपके ब्लड बेस्ड पे होंगे या तो मैरिटल बेस पे होंगे अकॉर्डिंगली कंजुगल बॉन्ड्स और कंसनगिन uh, बॉन्ड्स इनको बोलते हैं जो कंजुगल बॉन्ड्स होते हैं वो ऑल दो स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन उनसे ज्यादा आपके जो ब्लड बॉन्ड बेस्ड होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉग होते हैं कि जो सिबलिंग्स का आपस में बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आप ज्यादा अफेक्शन डिस्प्ले नहीं कर पाते अपनी वाइफ की तरफ ट्रेडिशनल फैमिलीज में क्योंकि कंजुगल बॉन्ड जो होते हैं वो सब ऑर्डिनेट होते हैं टू द कासनगुन बॉन्ड्स ठीक है फीलेल बॉन्ड्स जो आपके ब्लड आपके पेरेंट्स के साथ

गेन uh, कर रहे हैं डिसेंट डिसेंट ऑन द बेस ऑफ मेट्रिलिनियल एंड पेट्रिलिनियल फैमिली स्ट्रक्चर की से आप ट्रेस करते हो अपना लीनिएज ठीक है अब थोड़ा सा मैं आपको लीनिएज और डिसेंट का बता देती हूँ ऑल दो वो हमें एक सिंपल uh, अलग टॉपिक uh, भी पढ़ना है सेपरेट टॉपिक देखो आप अपनी जेनरेशन ट्रेस करते हो जैसे आप सन uh, हो या डॉटर हो फिर आपका कोई पेरेंट है फिर ग्रैंड पेरेंट है फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है ठीक है फिर उनका कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है तो ये आपको लेकिन पता है वो इंसान कौन है आपको नाम पता है ये मिस्टर एक्स है ये मिस्टर वाई है ये मिस्टर जी है ठीक है आपको ये नाम पता है तो जहां से आप किसी नॉन इंटर इंसिस्टर से खुद को ट्रेस करते हो वो आपका लीनिएज होता है ठीक है आप डिसेंट क्या होता है आप खुद को किसी अननोन एंसेस्टर से ट्रेस कर रहे हो वो कोई मेथोलॉजिकल फिगर भी हो सकता है ठीक है अब अगर आप पीछे पीछे चलते जो अपनी जनरेशन को ट्रेस करने के लिए करने के लिए करने के लिए एक टाइम पे आपके जो नोन नेम्स जो आपके पेरेंट्स को भी इनफैक्ट नेम्स याद है वो खत्म हो जाएंगे तो जहां से वो खत्म होंगे आप किसी अननोन माइथोलॉजिकल फिगर से भी खुद को ट्रेस करना शुरू हो जाते हो तो उसको हम डिसेंट बोलते हैं और ये लीनेज से डिफरेंट होता है लीनेज में आपका नोन एनसेस्टर से आप ट्रेड करते हो ट्रेस और डिसेंट में आपका अननोन होता है ठीक है यही बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में लेकिन अदरवाइज जनरल टर्म्स में कभी कभी इनको इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है seniority it is a source of authority as well as respect ठीक है सोसाइटीज जो डिवाइड होती ऑन द बेस ऑफ एज सेट्स एज फैक्टर इज अ प्राइमरी फैक्टर इन डिसाइडिंग द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द फैमिली कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स जो है वो फॉलो करते हैं दिस टाइप ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में भी जो ओल्डेस्ट ओल्डर मेंबर्स है कमांड मोर रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी एज कम्पेयर टू द यंगर मेंबर तो सीनियरिटी भी जो है इंपॉर्टेंट फीचर है इन फैमिलीज का तो जितने ज्यादा जो बड़े होते हैं उनकी बात आपको उतनी माननी पड़ती है आप उनके साथ उतना आर्ग्यू नहीं कर पाते हो अगर आप ज्यादा अगर आपकी बात सही है रैशनल लॉजिकल है लेकिन फिर भी एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट आप वो लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करना चाहते हो डिजन ऑफ लेबर जनरली सेक्स बेस्ड जनरलीक्सुअलजन ऑफ लेबर होता है और पेट्रियाकर नेचर होता है कि कुछ काम्स होता है उनको फेमिनिन बोला गया है कुछ मेस्कुलिन बोला गया है लाइक वॉशिंग यूटेंसिल्स इज नॉट सो वाशिंग जॉब इन मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल पार्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी लाइक मेरा राजा बेटा ये काम नहीं करेगा ये अभी भी सोसाइटी में है क्योंकि सेक्स बेस्ड डिविजन ऑफ लेबर हुआ है स्टार्टिंग से ही ये लेकिन ये गलत बात है ऐसा होना नहीं चाहिए जो काम है वो जेंडर बेस्ड नहीं होता है काम काम होता है वो कोई भी करे चाहे ठीक है तो ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी ट्रेडिशनल सोसाइटीज में रूल्स ऑफ रिलेशन लाइक इंसेस्ट टैबो लाइक सिबलिंग्स के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप उसको हम इंसेस्ट बोलते हैं जो क्लोज ब्लड रिलेशन होते हैं उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप ठीक है उसको इंसेस्ट बोलते हैं तो वो टैबू माना जाता है

नीस की शादी भी वहाँ पे अलाउड होती है और नॉर्थ ईस्ट में कुछ ट्राइब्स हैं वहाँ पे भी कजन मैरिजेस वगैरह अलाउड है ओनरशिप पैटर्न्स ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली इज विद एडल्ट मेल्स ठीक है और जो सक्सेशन सक्सेशन लाइन है वो पेट्रीलियल होती है लेकिन केरला की कुछ फैमिलीज हैं नायर फैमिलीज उनको बोला जाता है जिनकी जो ट्रेस करते हैं अपनी लीनियज थ्रू मेट्रीलिनियल और जो प्रॉपर्टी है वो भी मेट्रिलीनियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये हम थोड़ा पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी में जब हमें इंडियन पेपर भी पढ़ना होगा काफी चीजों की वजह से फैमिली पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आई हैं इन सारी चीजों की वजह से ये आप देख लेना ये हमने डिस्कस करी है ऑलरेडी अब देखते हैं क्या क्या चेंज आया कंजुगल रिलेशनशिप्स एंड अथॉरिटी स्ट्रक्चर कंजुगल इज योर मैरिटल रिलेशनशिप से जो बॉन्ड बनता है हस्बैंड वाइफ के बीच का एंड अथॉरिटी स्ट्रक्चर दैट मीस ये पेट्रियार्कल या मेट्रियल फैमिली अब क्या चेंज आया है रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ है टुडे इज बेस्ड मोर ऑन कॉपोरेशन रादर देन डोमिनेशन पुरानी सोसाइटीज में क्या होता था वुमेन को सबॉर्डिनेट या हस्बैंड uh, जो है वो वाइफ को खुद के सबॉर्डिनेट समझते थे ऐसा नाइन्टी परसेंट ऑफ जो इंडिया का स्ट्रक्चर है इंडिया की फैमिलीज का स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही था ट्रेडिशनल सोसाइटीज का लेकिन आज ये चीज जो है वो चेंज हो रही है इधर विद द एडवेंट ऑफ लव मैरिजेस या लोगों में अवेयरनेस आ गई है थोड़ा फाइन लोग दूसरे के राइट के भी बारे में बात करते हैं उनको वाइफ के राइट्स के का भी पता है तो थोड़ा जो लव अफेक्शन वाला रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का वो ज्यादा देखने को मिलता है आजकल एज कम्पेयर टू द ओल्डर जनरेशन मे आर ऑल्सो प्लेइंग एन इंक्रीजिंग रोल इन डिसीजन मेकिंग तो जब जहाँ प्यार बढ़ रहा है वहाँ अथॉरिटी का स्ट्रक्चर भी थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है मतलब वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसा नहीं बना है कि बिल्कुल फीमेल हेडेड फैमिली है ऑल्डो अभी भी मेल हेडेड ही होती है यूजली फैमिलीज लेकिन फीमेल का जो रोल है आहिस्ता वो इंक्रीज हो रहा है पार्सन ने कहा था न्यूक्लराइजेशन हैज स्ट्रेंथन कंजुगल बॉन्ड्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ यंग एंड विलमोट ने हमें द सिमेट्रिकल फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया था यहाँ पे देखते हैं बेसिकली उन्होंने क्या कहा था तीन स्टेजेस में फैमिली इवॉल्व होती है प्री इंडस्ट्रियल फैमिली द अर्ली इंडस्ट्रियल एंड सिमेट्रिकल फैमिली प्री इंडस्ट्रियल फैमिली जो है इसमें भी फैमिली कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल थी क्योंकि फीमेल और मेल जो थे वो सेम काम में जो थे इन्वॉल्व होते थे एंड इक्विटेबल डिविजन ऑफ लेबर था एंड एवरी मेंबर पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट ऑल द चोर्स लेकिन प्री इंडस्ट्रियल फैमिली में क्या हो गया सो प्री इंडस्ट्रियल जो थी ये भी सिमेट्रिकल थी सॉरी फिर अर्ली इंडस्ट्रियल फैमिली में क्या हो गया ये थोड़ा in to तो डिफरेंट होने लगा क्योंकि मेन मतलब जो थे दे स्टार्टेड टू एंगेज इन द इंडस्ट्रियल वर्क एंड वुमेन टुक द हाउस ऑफ चोर्स तो थोड़ा ए सीमेट्रिकल होने लगा फैमिली मतलब मेल्स जो है अलग काम करने लगे फीमेल जो है वो अलग काम के लिए रह गए और थर्ड स्टेज में इनकी फिर से सिमेट्रिकल फैमिली आ गई क्योंकि सेल्फ रिलायंस सेल्फ कंटेंट यूनिट मेरिटल बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो गए बेस्ड ऑन कंपैशन इस फैमिली में भी हस्बैंड वाइफ रूल्स आर नॉट टोटली सिमेट्रिकल लाइक एंड सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर स्टिल रिमेन्स बट हस्बैंड वाइफ सिग्निफिकेंटली शेयर ईच अदर्स बर्डन ऑल दो अभी भी एक्सपेक्ट यही किया जाता है वाइफ अगर जॉब से आए घर के काम उसके बाद वही करे लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज आ रहा है अब हस्बैंड्स भी जो है वो वाइफ्स की हेल्प करते हैं घरों में काम करने के लिए तो इस वजह से अभी भी कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल फैमिली जो है मॉडर्न सोसाइटी को बोला जाता है ठीक है आगे देखते हैं ये हमने पढ़ा कंजुमरन अथॉरिटी हाँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ने कहा चिल्ड्रं रोल इन डिसीजन मेकिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है एंड फैमिली आर नाउ रादर रादर बिकमिंग फीलियो सेंट्रिक कि इस बॉन्ड के अराउंड uh, जो है फैमिली सेंट्रिक हो रही हैं जो पेरेंट एंड चिल्ड्रन बॉन्ड होता है पेरेंटल रोल्स बहुत पेरेंट्स नाव प्ले इंस्ट्रूमेंटल एंड इमोशनल रोल्स ठीक है पहले क्या होता था ने कहा था इंस्ट्रोमेंटल रोल फादर का है और मदर का सिर्फ इमोशनल रोल है लेकिन आज ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है अब क्या होता है फादर भी अगर डिस्प्ले करेगा एफेक्शन फॉर किड्स उसको उतना और नहीं समझा जाता ये चीज़ भी नॉर्मल हो गई है लेकिन अगर आप पुराने चीज़ देखो अपने मॉम डैड या उनके अपने ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशन देखो तो जो फादर्स हैं उनका एक अलग नेचर उनको डिपेक्ट करना पड़ता है थोड़ा स्ट्रोंग सा वो उतना अफेक्ट अपना अफेक्शन डिस्प्ले नहीं बच्चों के लेकिन आज के पेरेंट्स में चीज चेंज हो रही है आज डैड भी जो है वो इक्वल इफेक्शन जो है डिस्प्ले करने से शर्माते नहीं है ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप नाउ बेस्ड ऑन इक्वालिटी पहले क्या था लड़के को ही सारा पढ़ाई भी उसकी जॉब भी उसकी यही हमारे कुल का दीपक है यही परिवार को आगे ले जाएगा पहले ये सारी बातें होती थी लेकिन आज जो है फैमिली वाले भी इक्वल राइट्स की बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट इज ग्रेटर इंसिडेंसेज़ ऑफ डिवोर्स ये आपको मॉडर्न फैमिलीज में मॉडर्न सोसाइटीज़ में देखने को मिलेगा डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं इसकी काफ़ी थेरीज हो, हो सकती हैं कि आ, पुरानी फैमिली में थोड़ा क्या होता था आपके एल्डर्स के साथ आप रहते थे जो आपका टेंशन रिलीज करने में हेल्प होती थी वो आपको समझाते थे ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ऐसा नहीं हुआ या दूसरी चीज़ भी आप इसको दूसरे एंगल में भी एनालाइज कर सकते हो कि पहले जो फीमेल्स थी वो भी खुद को सबॉर्डिनेट टू तो मेल समझती थी तो आवाज़ नहीं उठाती थी दबे हुए रहते थे लेकिन आज के एजुकेटेड फीमेल जो है वो नहीं ले पाती है वो सारी नेगेटिव जो उनकी तरफ आती है थ्रू हर हस्बैंड और हर इन लॉज इस वजह से भी देखा जा सकता है डिवोर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं अथॉरिटी अथॉरिटी स्ट्रक्चर चेंज ऑफ द मेंबर्स इन फैमिली इज डिक्रीजिंग इंडिविजुअलिज्म एंड अचीवमेंट हैज ऑरिएटेशन द अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स इन द फैमिली ठीक है पहले क्या होता है एल्डर के पास सारी अथॉरिटी थी ये चीज भी अब डिक्लाइन हो रही है राइज ऑफ ट्रेडिशनली नॉन इंस्टीट्यूनलाइज फीचर्स जैसे लिव इन सिंगल पेरेंट फैमिली एटसेट्रा इसने भी ऑल्टर किया है आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन

एडवेंट ऑफ लव मैरिज इससे भी आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है लीगल फैक्टर्स जैसे इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट इसने बैन किया पॉलीगैमी को तो monogamy जो है वो ज्यादा बढ़ गई दैट मोनोगी पॉलीगैमी क्या होता है देखो मैरिज या तो आपकी पॉली होगी या तो मोनो होगी मोनो मीन्स एक हस्बैंड वाइफ ठीक है एक से ज्यादा आप नहीं रख सकते हो पॉलीगैमी के भी बाद में टाइप्स हैं पॉली एंड्री एंड पॉलीगैनी पॉली एंड्री एंड पॉलीगैनी पॉली होता है जब एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स होती हैं मेनी वाइफ्स ठीक है wives, और पॉली एंड्री होता है जब एक वाइफ की मेनी हस्बैंड्स होते हैं मेनी हस्बैंड्स गायनी से याद रख लेना नाम पॉली मींस मेनी गाइनी मींस फीमेल पॉली मींस मेनी एंड्री इज रिलेटेड टू मेल ठीक है ये हो गए लीगल फैक्टर्स जैसे पॉलीगैमी प्रैक्टिस हो रही है तो वो भी आपका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है और वुमेन को भी राइट टू डिवोर्स दिया गया इंटरकास्ट मैरिज इंटर, इंटर रिलिज मैरिज थ्रू स्पेशल मैरिज एक्ट वो भी लाया गया तो लीगल फैक्टर्स से भी चेंज होती है फैमिली के स्ट्रक्चर हाउस होल्ड शिफ्ट न्यूकल न्यू लोकल ट्रेंड इज रिप्लेसिंग पेट्री लोकल पैटर्न शादी के बाद क्या होता था लड़के के पेरेंट्स के साथ रहना होता था वो आपका पेट्रीलोकल पैटर्न ऑफ फैमिली है न्यू लोकल है। जब जो मैरिड कपल है वो अपने एक नए घर में जाते हैं रहने के लिए ठीक थी, तो है तो मोस्टली जो वर्किंग कपल्स हैं दे मू टू न्यू प्लेस विद वेयर देर जॉब्स आर लोकेटेड तो ये भी शिफ्ट हो गया फैमिली में इमरजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव टू फैमिली एंड मैरेज कोसबीन पार्टनरशिप एंड सिंगल पेरेंट फैमिली

क्वेश्चन के आंसर नहीं करते हो आप मुझे मेल में क्वेश्चंस काफी सारे पूछते हो जो लेकिन वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे होते तो हैं उनके आंसर आप नहीं करते जो कि अच्छी बात नहीं है आप थोड़ा एक्टिव रहे और आंसर्स करें ग्रोइंग इंडिविजुअलाइजेशन इंडिविजुअलाइजेशन फ्लूडिटी इन रिलेशन हैज लेड टू लेस ड्यूरेबल बॉन्डिंग ठीक है क्योंकि थोड़ा इंडिविजुअल सेंट्रिक हो गए अपने बारे में सोचते हो तो जो आपका है वो दूसरों के बारे में सोचने का वो कैरेक्टर था वो थोड़ा कम हो गया है ये मॉडर्न लाइफ में ऐसा देखने को मिलता है इस वजह से जो बॉन्ड्स हैं वो उतने ज्यादा लास्टिंग नहीं होते डिवोर्स वगैरह के केसेस बढ़ते रहते हैं एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ वुमन अब वो ऐसे नहीं ले सबॉर्डिनेट नहीं रहना चाहती हैं तो इस वजह से भी जो फैमिली के डायनामिक्स हैं वो चेंज होता हो जाते हैं ओवर पॉपुलेशन माइग्रेशन माइग्रेशन बहुत चीजों की वजह से हो जाती है एंड इट हैज हैजल्सो ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली को प्रॉब्लम्स ऑफ एक सिंगल हाउस में एकमोडेट करना सबके लिए जो है वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं ठीक है फिर पेरेंट्स के कितने सारे बच्चे हैं दो चार सिबलिंग्स हो फिर सिबलिंग्स की अलग अलग फैमिलीज हैं इस वजह से क्या होता है हर कोई अपना अलग फैमिली में रहना शुरू हो जाता है एक अपना फैमिली सेटअप जो है वो उसको सेपरेट कर देता है इस इसकी वजह से हम कहाँ से आ रहे हैं ज्वाइंटनेस से किसकी तरफ जा रहे हैं न्यूक्लियराइजेशन की तरफ सेक्युलराइजेशन ऑफ सोसाइटी डिक्लाइन ऑफ रिलीजस कंट्रोल कंट्रोल जो जो है ये भी ऑल्टर करता है फंक्शंस ऑफ फैमिली को क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं प्रसक्राइब रोल्स को और फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ फैमिली चेंजेस ठीक है क्योंकि आप क्या करते हो यूजअली जो आपके जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होते हैं उनको एक रिलीजियस फिगर की तरफ तरह, तरह ट्रीट करना शुरू हो जाते हैं एक टाइम के बाद ठीक है या आपको लगता है ये जो काम है जैसे मेल का पर्टिकुलर काम है फीमेल का पर्टिकुलर काम है ये रिलीजियस है क्योंकि इतना ज्यादा इम्बाइब हो गया है ये सारा स्ट्रक्चर फैमिली में कि हमें लगता है कोई डिवाइन चीज ये सारी चीजें फॉलो करना तो वे टाइम ये चीज भी खत्म हो जाती है रोल ऑफ मीडिया से सोशल नेटवर्किंग सिनेमा ट्रेडिशनल मीडिया वगैरह इसने भी इफेक्ट किया है फैमिली के इसको स्ट्रक्चर को स्टेट पॉलिसी फैमिली प्लानिंग और कॉन्सेप्ट like हम दो हमारे दो ठीक कम बच्चे रखो और उनको ही उनका पालन पोषण ठीक से करो तो वही बड़ी बात है तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स की वजह से भी क्या होता है फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है लैंड रिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू लक्ष्मी नारायण लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया इम्पोज सीलिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द लैंड होल्डिंग्स इन मेनी केसेस देखो क्या होता था अः uh, एक सीलिंग रेस्ट्रिक्शन आ गई सीलिंग रेस्ट्रिक्शन क्या मतलब ऐसा बोला गया कि पर्टिकुलर फैमिली जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड ही सिर्फ रख सकती है बाकी उसको स्टेट को देना है ठीक है ये लैंड रिफॉर्म्स में हुआ फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली फाइव कनाल लैंड ही रख सकती है ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ बाकी क्या करना है देना है कनाल नहीं बोलते हैं ना हाँ फाइव कनाल लैंड फाइव एकर्स जो भी आपको बोलना होगा आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रख सकती है तो लेकिन उस फैमिली के पास पचास हैं अब वो क्या करेगी वो फोर्टी फाइव जो है वो गवर्नमेंट को दे दे उसको वो पॉसिबल तो उसके लिए वो गवारी गवारा नहीं होगा उसको वो तो वो क्या करता है अपने जो बच्चे हैं उनको अलग अलग कर दिया अलग अलग घर बना लिया सबने तो अब जो सिर्फ एक फैमिली फाइव रख सकती थी अगर उसके चार या पांच बच्चे हैं तो पांच बच्चे फाइव 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 रखेंगे तो इसकी वजह से क्या हो गया ये भी सेपरेट इट इट्सोड द सीड्स ऑफ सेपरेट लिविंग तो जो फैमिली पहले ज्वाइंट थी वो खुद ही तोड़ने लगी अपनी फैमिली को न्यूक्लियर बनाने लगी ताकि वो सीलिंग रेस्ट्रिक्शन जो उनके, उनके इम्पोज की गई है उसका वो कोई वे आउट निकाल सके इकोनॉमिक डिफिकल्टीज इन रूरल एरियाज इम्बेलेंस अर्बन रूरल ग्रोथ हैज ऑल्सो लेड टू हायर माइग्रेशन ऑफ यंग मेंबर्स टू सिटीज मनी इकोमी ने भी कंट्रीब्यूट किया है इन द रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ फैमिली एज इज अ कॉन्सेंट नेगोशिएशन बिटवीन द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड डिजायर्स ऑफ द मेंबर्स मेनी वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन माइग्रेशन मॉडर्नाइजेशन डिक्टेटेड द साइज ऑफ फॉर्म ऑफ फैमिली ठीक है क्योंकि आपके खर्चे इतने ज्यादा है और आमदनी इतनी कम है रिसोर्स इतने कम है कि आपको बाकी चीजें फिर उन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है आपको माइग्रेट करना पड़ता है आपको वैसी जॉब चूज करनी पड़ती है कि आप अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाओ इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप ऑफ एटीन टू फोर्टी फाइव इसमें एटी परसेंट जो है वो सिंगल है ठीक है और एग्जाम्पल्स ऑफ किब्यूट्स इन इजराइल हमने पहले भी डिस्कस किया है एक दो बार किब्यूट जिसमें फैमिली की इंपॉर्टेंस जो थी वो नहीं थी उतनी ज्यादा पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस नहीं थी लोग जो थे वो डॉर्मेटरीज में रहते थे और वहां पे उनका ध्यान रखा जाता था तो ऐसा बोला जाता है फैमिली को कॉर्नर स्टोन समझे सोसाइटी का ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है तो आगे देखते हैं उफ, ये टॉपिक खत्म हो गया फाइनली काफी बड़ा टॉपिक मुझे लगता है हमने देख लिया है ये एक ही टॉपिक था ना अभी तक का हाँ फैमिली अब हम आगे चलते हैं Types and Forms of Family जीज है बेड वर्क ऑफ सोसाइटी लेकिन इसकी जो वो है वो वैरी करती है टाइप्स ऑफ फैमिली है मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ाऊंगी और साथ साथ आप ये पीडियो पॉज करके अपना जो पीडीएफ है या बुक है एक बारी वो रीड कर लेना रेजिडेंस के बेस पे मैट्री लोकल दैट मीनस शादी के बाद माँ के घर रहोगे पेट्रीलोकल शादी के बाद लड़की के घर रहोगे पेट्रीलोकल शादी के बाद लड़के के डैड के घर रहोगे डुओ लोकल शादी के बाद लड़का लड़की अलग रहेंगे अपने अपने रेस्पेक्टिव होम्स में न्यू लोकल शादी के बाद लड़का लड़की एक इकट्ठे रहेंगे एक नए घर में ठीक है ऑन द बेस ऑफ अथॉरिटी मेट्री आर्कल पेट्री आर्कल मैंने बताया ऑन द बेस ऑफ डिसेंट और रूल ऑफ इनहेरिटेंस की कहा से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी और कहाँ से आप ट्रेस करोगे अपनी लीनेज को वो मेट्री लीनल भी हो सकता है पेट्रीलिनल भी हो सकता है एमबी लीनियल भी हो सकता है दैट बोथ साइड से भी आप ट्रेस कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ मैरेज मोनोकैमी एट्री पोलिगैनी ये भी एक्सप्लेन कर लिया ऑन द बेस ऑफ हाउस होल्ड जॉइंट न्यूक्सर सिंगल पर्सन इंस्टीट्यूशन हाउस होल्ड एंड सो ऑन कुछ कॉमन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड ऑन द बेस ऑफ साइज न्यूक्लियर ठीक है एक्सटेंडेड ये हमने पढ़ाया न्यूक्लियर क्या होता है एक्सटेंडेड क्या होता है ऑन द बेस ऑफ मेंबरशिप येट एन अर डिस्टिंगशन इज मेड बिटवीन कंजुगल फैमिली या कंसेंगे ब्लड की होगी या मैरिटल बेस फैमिली होगी या फैमिली का जहां पैदा हुए जिसको फैमिली ऑफ ऑरियंटेशन बोला जाता है या फैमिली ऑफ ऑरिजिन भी इसको बोला जाता है या फैमिली इन वन इज अ पेरेंट दैट आपकी शादी होती है और आपकी अपनी फैमिली बनती है उसको फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बोला जाता है ठीक है तो ये सारी चीजें क्लियर हैं इसमें आईगेस एक, एक चीज स्किप हो गई आप सोच रहे हो मैम ने नहीं बताया है ज्वाइंट हाउस होल्ड न्यूक्लियर हाउस होल्ड सिंगल पर्सन हाउ, हाउस होल्ड और इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड मतलब आपके जो फॉर एग्जाम्पल आपके अः ओल्ड एज होम्स या नर्सिंग केयर होम्स वगैरह ठीक है जहां आपकी देखभाल हो जाती है देखभाल की जाती है पाया थर्ड पार्टी आगे देखते हैं वेरियस वेरियसर क्लासिफिकेशन ऑल्सो बीन सजेस्टेड फॉर एक्साम्पल ऑन द बेस ऑफ वॉलिटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ फैमिली एंथनी गिडन्स ने क्या कहा था सीरियल मोनोगेमी सीरियल मोनोगेमी मॉडर्न सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट है जिसमें इंसान के क्या होते हैं शादी है, है, होती है टूटती जाती है मल्टीपल मैरिज मल्टीपल डिवोर्स होती हैं और इसका रिजल्ट क्या है काफी न्यूक्लियर हाउस होल्ड जो है ऐसे बनते जाते हैं चार शादियां की चार डिवोर्सेज हो गए और चार न्यूक्लियर सेटअप फैमिलीज बन गई ठीक है वो होता है आपका सीरियल मोनोगी इन दफ रिक्स एल जीबीटी सिमिलरलीहैबिटेशन और कुछ कंट्रीज नेश भी दी है कि आप रहते हो और आपके बीच में जो है वो कंसेंशन सेक्शुअल रिलेशनशिप भी बता है और इसको क्या मिली है एक लीगल रिकोगशन भी मिला है इन ट्वेंटी टेन आयरलैंड सिविल पार्टनरशिप एंड सर्टन राइट एंड ऑफ को

ये उसके लिए बेस्ट फैमिली स्ट्रक्चर है जो बनता है क्योंकि जोग्राफिकली मोबाइल होता है आप आते हो इंडस्ट्रियल एरियाज में रहने के लिए आइसोलेट हो जाते हो अपनी पुरानी फैमिली से और अपना एक नया न्यूक्लियर सेटअप जो है वो बनाते हो ये सिंपल चीज है ये आप हमने के रिलेशन में आप इसको देख सकते हो इसमें वही सारी चीजें बोली है फैमिली क्या करती है स्टेबलाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटीज बेसिक रिलेटिव सिबिल फंक्शन परफॉर्म करती है फाइन तो ये आप एक बार खुद पढ़ लेना अगर इसमें कोई दिक्कत होगी मुझे बता देना मेल करके या कॉमेंट सेक्शन में तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अदरवाइज में ऐसा कुछ नहीं है यू गिव दिस और आपको समझ में आ जाएगा इन पर्सन को हमने कई बार डिस्कस कर लिया आगे देखते हैं हाउस होल्ड हमने पहले ही डिस्कस किया हाउस होल्ड क्या होता है ये एक ब्रेक एंड मॉडल डिवेल्पिंग यूनिट है और फैमिली जो है आपकी एक सोशल यूनिट बेस्ड ऑन किनशिप है तो हाउस होल्ड और घर जो है ये रेजिडेंशियल एंड डोमेस्टिक यूनिट है कम्पोज ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग अंडर द सेम रूफ एंड ईटिंग फूड कुक इन द सेम किचन और चूल्हा ठीक है तो इमोशनल अटैचमेंट जो है इज द कोर फीचर ऑफ फैमिली वाइल कॉमन सैलिटी इकट्ठे रहना और खाना पीना इज द कोर फीचर ऑफ अ हाउस होल्ड तो हाउस होल्ड अगर आपका घर है फैमिली आपके घर वाले हैं ठीक है इन शॉर्ट सिंपल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हाउस होल्ड एंड फैमिली मे और मे नॉट बी सेम फॉर अ गिवन सेट ऑफ पीपल दे कैन बी डिफरेंट हाउस होल्ड फॉर द सेम मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इन केस हस्बैंड एंड वाइफ हैविंग ऑक्युपेशन डिफरेंट प्लेसेस एंड हेंस उनके डिफरेंट हाउस होल्ड्स हैं दे मे बी डिफरेंट फैमिली सेम हाउस होल्ड में इन केस ऑफ फैमिलीज लिविंग एज टेनेंट्स एंड लैंड लैंड लॉर्ड तो डिफरेंट फैमिलीज एक ही हाउस होल्ड में रह रही हैं या हस्बैंड वाइफ अलग अलग जगह जॉब करते हैं तो एक फैमिली अलग हाउस होल्ड में रह रही है दे कैन ऑल्सो भी इंस्टीट्यूशन हाउस होल्ड एज इन केस ऑफ होस्टल जोमेट्रीज एंड होटल्स सो ऑन ये आपके इंस्टीट्यूशन हाउस होल्ड है क्योंकि एक वो भी एक चीज का एक मोटर ब्रिक डिवेलिंग यूनिट है देर में ऑल्सो भी हाउसलेस हाउस होल्ड एज इन केस ऑफ डिवेलर्स ठीक है जो बेचारे सड़कों पे रहते हैं तो हाउसलेस हाउस होल्ड भी एक इसमें आप डायमेंशन ऐड कर सकते हो हाउस होल्ड जो है कमेंसल एंड को रेजिडेंट ग्रुप है कमेंसल मीन जो इंटरटाइन करते हैं इकट्ठे खाते पीते हैं और इकट्ठे रहते हैं बिच में इवन टेक फॉर्म ऑफ ए सिंगल पर्सन हाउस होल्ड भी हो सकता है तो क्लासिकल स्कॉलर्स है लाइक मॉर्गन मेन क्रोइबर वगैरह उन्होंने फैमिली को देखा था एज अ मीन टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन और इग्नोर किया था हाउस होल्ड डायमेंशन को बाद में विलियम गुडे और द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर फैमिली बे पार्सन इन्होंने भी इम्फेसाइज किया न्यूक्लियर फैमिली इन हाउस होल्ड पे दैट आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर लेकिन इस चीज़ को अलग किसने किया एंथनी गिन्स ने क्योंकि उन्हें हमें सीरियल मोनोग्रामी का कॉन्सेप्ट दिया था कि अलग अलग हाउस होल्ड बनते हैं फाइन तो क्योंकि अलग अलग फैमिलीज है वो ब्रेक हो रही हैं अलग शादियां हो रही हैं तो इन्होंने कहा था ब्रेक डाउन किया था इन कंसेप्ट ऑफ फैमिली एंड हाउस होल्ड को बींग वन एंड द सेम एज बींग वन एंड द सेम एज डिफरेंट मैरेजेज ब्रिंग डिफरेंट रिलेशन अंडर अ सिंगल रूम ठीक है आगे देखते हैं हाउस होल्ड में ऑल्सो गो सिविल चेंजेस विद टाइम फ्रॉम न्यूक्लियर टू ज्वाइंट ये आइडिया हमें दिया था ए एम शाह ने गुजरात विलेजेस में इन्हें स्टडी की थी इन हिज द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली इन इंडिया इस इनका वर्क है द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इन इंडिया तो इन्हें कहा था हाउस होल्ड में एड भी हो जाता है या रिग्रेशन दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन भी हो जाती है ऑन द बेस ऑफ बर्थ एडॉप्शन इन एंड आउट मैरिज डेथ पे डिवोर्स पे सेपरेशन ऑफ मेंबर्स ओवर वगैरह पीरियड ऑफ टाइम तो हाउस होल्ड में भी एडिशन या सब्ट्रक्शन या आप बोल सकते हो प्रोग्रेशन या रिग्रेशन होती रहती है हाउस होल्ड इन इट सेल्फ इज नीदर जॉइंट नॉन न्यूक्लियर बट बिकम्स आइदर ऑफ दीज बाय वर्च्यू ऑफ इट बींग अंडर प्रोग्रेशन या रिग्रेशन ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैरिड सन जो है वो अपने फादर के घर से बाहर रहना शुरू कर देता है तो इससे जो सन का हाउस है वो एक न्यूक्लियर वन हो जाता है और रादर अ सेपरेट वन ठीक तो अगर आपको कंक्लूड करना पड़े इनकी एक आ, इसको डिफरेंस को तो आप बोल सकते हो हाउस होल्ड किससे रिलेटेड होता है आपका रेजिडेंशियल ग्रुपिंग से और फैमिली किससे रिलेटेड है किनशिप इमोशनल रीचल एंड लीगल डायमेंशन से स्कॉलर्स लाइक ए एम शाह मेक अ कंसेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन हाउस होल्ड एंड फैमिली अकॉर्डिंग टू हिम इट इज अ फैमिली दैट इज न्यूक्लियर और जॉइंट हाउस होल्ड कैन मोर एप्लींपल और कॉम्प्लेक्स है दो चार टॉपिक्स है क्योंकि अभी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी आपके लिए तो so, इसके लिए एक बार पढ़ने के बाद क्योंकि काफी लंबा लंबा टॉपिक है फाइन तो एक बार आप जरूर इसको बुक से भी रिवाइज करें जो आपने पढ़ा है सो टिलोड न्यू वीडियो बब बाई टेक्रेट डे